मरियम नवाजी साहिबा ने कहा कि मियाँ साहब कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और फिर वो पूरी फहरिस्त गिनाई कि किस किस जनाजे में नहीं। मियाँ साहब की तो सारी सियासत ही कॉम्प्रोमाइज की है। कौन सी स्टैंड लिया आज तक उन्होंने? कॉम्प्रोमाइज ही करते रहे। आज जो वहाँ पर अल्ताफ हुसैन टू बने हुए हैं, उसमें मरियम ने अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया कि जान की गारंटी दो। लंदन में कोई जान की गारंटी है? ये तो जिंदगी मौत का फैसला अल्लाह के हाथ में होता है। ये गारंटी नहीं मांग रहे थे भाई, केसेस खत्म करो। कौन रोक सकता है? ये पे रोल पे आते नहीं रहे, बाहर आके रोल पे आके उनके उनके मियां साहब शरीक लंदन में होते रहे। नहीं नहीं नहीं, वालदा की जनाजा नहीं। अच्छा, कुलसुम बीबी का जनाजा पाकिस्तान आया था, वालदा की इंतकाल हुआ था, मियां साहब लंदन में। मियां साहब खुद नहीं आए, खुद नहीं आ जाते, बीमारी रोका। अब देखें, फिर अब अपनी जनाजों पे मैं बात नहीं करना चाहता। मैं ये तो हूँ कि ऊपर सियासत के अंदर ये लोग चीजों को लेकर आते हैं, हम नहीं लेकर आते। उस वक्त भी इन्होंने खुद नहीं शामिल हुए। मसला क्या है? मसला ये है कि वो एक मशहूर फिक्रा है, भट्टी साहब कहते होते हैं ना, ये आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ के चक्कर के अंदर। देखिए, पहली बात तो ये कि जो जनाजे हैं, ये उनकी वालदा मुझे माओ से बड़ी मोहब्बत, उनकी वालदा मरियम साहबा की वालदा, नवाज शरीफ साहब की वालदा, अल्लाह दोनों की मगफरत करे, बख्शिश फरमाए। लेकिन मरियम नवाज साहबा का एक बड़ा है कि वो बहुत फैक्ट्स एंड फिगर्स, मेरी तो कोई जायदाद ही नहीं, इससे बड़ा मैं क्या करूं? ठीक है मारिया, मारिया मेमन, मसला ये है, वी यूज दीज थिंग्स फॉर पॉलिटिक्स, अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, इसके अंदर भी सियासत, हमने इस्तेमाल करना है इसको भी सियासत। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी लेस्ड विद पॉलिटिकल रेटोरिक, इसको मैं एक लफ्ज एक जुमले में जी बिल्कुल इंटेलेक्चुअल आप जिसमें जानते बूझते हुए एक ऐसी पब्लिक पोजीशन लेते हैं जो आपको पता है गलत है, लेकिन स्मार्टली लेते हैं, झूठ बोलना, फ्रॉड करना, मुनाफकत करना, और ये ऑपोजिशन में सर ये सब करते हैं, ये मौजूदा हुकूमत भी करते हैं। नहीं, अभी ये हालिया दिनों में एक ट्वीट की थी, सो ये हमें कोई भाषण ना दे कि वो गलत है, कश्मीर में मियां साहब को ख्याली तौर पे पहुंचा दिया उन्होंने। सर ये हर दफा होता है, आई एम टायर्ड ऑफ इट बाय द वे। आई थिंक आवाम को भी अब ये ना खुद फैसला करना होगा। बाय द वे, के इलेक्शन में जब हम गए थे लोगों ने कहा था कि हमें पसंद नहीं आ रही जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक्वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख जराए से मुसद्दका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY News पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।